हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज मिसेलेनियस, ठीक है, के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्या गिवन है। सो दैट ये प्रूव करना है हमें, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दैट इज ओरिजिन 0 0 0 एंड द पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइन बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 एंड 4 3 -1। क्लियर, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। ओके, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, दो लाइन्स गिवन, टू लाइन्स को परपेंडिकुलर आपको यदि प्रूफ करना है तो क्या कंडीशन गिवन है, आप दोनों ही लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कीजिए। फर्स्ट लाइन का A1 B1 C1, सेकेंड लाइन का A2 B2 C2 और दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द गिवन लाइंस इक्वल टू 0 शुड बी 0, ठीक है। मींस A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा काम है कि दोनों ही लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड 0.211 आर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड द 0.211 इज, फॉर्मूला मालूम है ना आपको, X2 - X1, व्हाट इज X2 - X1, दैट इज 2 - 0 2 - 0। नेक्स्ट Y2 - Y1 1 - 0, Z2 - Z1 दैट इज 1 - 0। तो डायरेक्शन रेशियो आर 2 - 0 इज 2 1 and 1, ठीक है। मीन्स A1 = 2, B1 = 1, C1 = 1, ये हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया, दिस इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो। क्लियर, सिमिलरली हम लोग डायरेक्शन रेशियो इससे फाइंड करेंगे, सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखिएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 5 - 1 एंड 4 3 - 1 फाइंड करके बताइए तो कितना आएगा। स्टूडेंट्स सॉल्व कीजिए, बताइए। ठीक है, मींस यदि डायरेक्शन रेशियो आप फाइंड करना चाहें तो A2 = 2 निकालना चाहते हैं तो A2 = 2 कितना आएगा, X2 - X1 मीन्स 4 - 3 = 1, Y2 - Y1 3 - 5 दैट इज -2 एंड C2 = -1 - -1 दैट इज 0। फाइंड हो गया, कंडीशन फॉर प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है, A1 A2 + B1 A2 + C1 C2 = 0 ये होना चाहिए। तो हम LHS में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो A1 A2 मीन्स 2 × 1 + 1 × -2
प्लस वन इंटू जीरो दैट इज टू माइनस टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया इक्वल टू आर एच एस। ओके हो गया, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रूफ हो गया। हैंस द गिवन लाइन्स, गिवन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये सब लिख लीजिए स्टेटमेंट में। देयरफॉर गिवन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिख लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओरिजिन एंड द 211। सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, इसे भी लिख दें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट 211, पॉइंट 211, नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।